कद्दू की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी, कभी भंडारे में तो कभी शादियों में। पूरी और रायते के साथ कितनी टेस्टी लगती है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हलवाई स्टाइल सब्जी हम घर पे नहीं बना पाते हैं, टेस्ट में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती। तो चलिए आज बनाते हैं पूरी कद्दू की सब्जी और वही हलवाई स्टाइल रायता। इसके लिए कद्दू को बिल्कुल बारीक टुकड़े में काटें और कैरी को थोड़ा बड़े टुकड़ों में काटें। सबसे पहले तेल में सूखी लाल मिर्च डालिए, तेज पत्ता डाला, थोड़ा सा करी पत्ता डाला और मेथी दाने का यहाँ पे छौंक लगाएंगे, जिससे ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद कद्दू डालेंगे और मसाले के लिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक से मसाले यूज होंगे, ज्यादा मसाले के चक्कर में ना पड़े क्योंकि असली टेस्ट बिना मसाले के ही आएगा। यहाँ मैं मसाले में सिर्फ सूखा धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च लिया और हल्दी लिया है और नमक लिया है स्वाद अनुसार। किचन किंग गरम मसाला कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सूखा धनिया डालना है, उसके अलावा हल्दी नमक मिर्च डालना है। और आपको लगेगा कि ज्यादा मसाले तो डाले नहीं, हलवाई वाला टेस्ट कैसे आएगा, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही सब्जी बनी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी। कद्दू को 5 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने कैरी डाल दिया है और 1 से 1.5 गिलास पानी डाला। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे खट्टी मीठी सब्जी के लिए। अगर आपको मीठी ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ का अमाउंट आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ मैंने तो बस नाम भर का ही गुड़ डाला है। आप चाहें तो गुड़ के जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 मिनट सब्जी को पकाएं। 10 से 15 मिनट पकने के बाद कद्दू को चम्मच की हेल्प से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, उसी से ज्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा। और ऐसे कचुंबर बनाने के बाद वापस से ढक के रख दें और 5 से 10 मिनट के लिए फिर से पकाने के लिए रख दें। जब तक सब्जी बनती है चलिए रायता बनाते हैं। रायते के लिए मैंने यहाँ पे घर पे बना हुआ दही लिया है, जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून रायता मसाला डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल पतला कर लेंगे। आप चाहे तो, आपको ज्यादा पतला रायता चाहिए तो आप इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल सकते हैं या फिर छाछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी रायते को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बूंदी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। अगर आपको बूंदी का क्रंची वाला टेस्ट पसंद है तो आप तुरंत डाल के तुरंत खा सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद है तो इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दें उसके बाद खाएं, या फिर बूंदी को गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के भिगो के उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में धनिया पत्ती डाल के हमारा रायता रेडी है। चलिए 10 मिनट हो चुका है तो सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। देखते हैं अगर कुछ टुकड़े नहीं टूटे हैं तो वापस से हम स्पून की हेल्प से उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे टुकड़े मुंह में आते तो बिल्कुल टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल बारीक टुकड़े को तोड़ लें आप। और यहाँ पे मैंने लास्ट में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, कश्मीरी रेड चिली है, बस कलर के लिए कि कलर अच्छा आ जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा हाथ से रब करके डाला है महक के लिए, और डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद 1 से 2 मिनट सब्जी पकाएंगे, उसके बाद सब्जी तैयार है। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स डाल के सब्जी को ढक के 5 मिनट के लिए रख दें। तो मेरी सब्जी तैयार है, रायता भी रेडी है, अब बनाते हैं पूरी। चलिए पूरी के लिए यहाँ मैंने रिफाइंड तेल लिया है जिसको गर्म करने के लिए रख दिया है। आटा मैंने पहले से लगा के रखा हुआ था, अजवाइन डाल के थोड़ा सा घी डाल के पूरी के आटे को थोड़ा सा टाइट ही रखें, बिल्कुल लचीला ना रखें, हल्का सा टाइट ही अच्छा लगता है पूरी। तेल को एक बार अच्छे से गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पर ही रखें, उसी में पूरी ज्यादा अच्छी बनती है। और पूरी को हल्के हाथ से बेलें, थोड़ा सा तेल डाल के और उसके बाद हल्के हाथ से चला के बेलन बेलते रहें। पूरी को तेल में डालने के बाद थोड़ी सी चम्मच की हेल्प से उसको दबाते रहें, हल्के हाथ से, बिल्कुल ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, इससे आपकी सारी पूरी फूलेंगी अच्छे से एकदम गोल गोल। तो मैंने यहाँ पे दोनों पूरी को हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस किया, देखिए आप पूरी देख सकते हैं, दोनों पूरी इतनी अच्छी फूली है। अब एक साइड से पूरी अच्छे से सेक चुके हैं तो यहाँ पे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। पूरी को लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से सेकें, अगर आपको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर पसंद है तो आप थोड़े ज्यादा भी सेक सकते हैं। और पूरी में आटे में थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा घी डालें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम करकरारी पूरी बनती है। तो चलिए पूरी तैयार है, अभी थाली सर्व करते हैं। मैंने दूसरी पूरी भी निकाल ली है, इसी तरीके से आप सारी पूरी सेके। यहाँ पे सब्जी का कलर देखिए आप, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। और इस सब्जी को पूरी और रायते के साथ सर्व करें, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। आप भी जाइए बनाइए, खाइए, खाओ, पेश करो।